सो हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे चैनल में, इसका नाम द बी स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोबेबल स्टार्टिंग 11 के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन के बारे में। तो फॉर्मेशन मेरे हिसाब से होगा 4-3-3। जेरार्ड नास, जो कि इस साल आईएसएल के वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट कोच है, वन ऑफ द नहीं मोस्ट यंगेस्ट कोच है, उनका एज है बस 35। उनका प्रेफर्ड फॉर्मेशन है 4-3-3। एंड अगर इस फॉर्मेशन से जाए तो गोलकीपिंग में होंगे सुभाषिस रॉय, डेफिनेटली बहुत अच्छा गोलकीपर है सुभाषिस रॉय, एंड उनके अलावा और कोई इस पोजिशन में नहीं आएगा। तो सुभाषिस रॉय होंगे गोलकीपर में। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दो सेंट्रल बैक पोजिशन के प्लेयर के बारे में। तो दो सेंट्रल बैक पोजिशन में होंगे, एक होंगे बेंजामिन लैम्बर्ट, जिनका एज है 33, बहुत ही बढ़िया सेंट्रल बैक पोजीशन के प्लेयर है बेंजामिन लैम्बर्ट। एंड दूसरे होंगे डिलन फॉक्स। डिलन फॉक्स एशियन कोटा का प्लेयर है, उनका एज है बस 26, तो बहुत ज्यादा यंग प्लेयर है डिलन फॉक्स। एंड देखने लायक होगा कि इस साल डिलन फॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि डिलन फॉक्स बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है एंड उनका परफॉर्मेंस भी ए लीग में अच्छा है। सो एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। सो देखते हैं इस साल डिलन फॉक्स नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी का कैसा परफॉर्म करते हैं। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट बैक पोजीशन के बारे में। तो राइट बैक पोजीशन में होंगे आशुतोष मेहता। आशुतोष मेहता बहुत ही अच्छे प्लेयर है, उनका मोहन बागान में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो उनका रिसेंट परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो एक टॉप फॉर्म में भी चल रहे, तो डेफिनेटली एक इनफॉर्म प्लेयर बहुत ही खतरनाक होता है। तो राइट बैक पोजिशन में डेफिनेटली आशुतोष मेहता होंगे। एंड लेफ्ट बैक पे होंगे गुरजिंदर सिंह। तो गुरजिंदर सिंह कैप्टन रह चुके मोहन बागान के, लास्ट सीजन वो मोहन बागान के कैप्टन थे, तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है गुरजिंदर सिंह एंड उनसे भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। तो डेफिनेटली देखने लायक हो कि इस साल गुरजिंदर सिंह नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी का कैसा रहता है, क्योंकि उनका आई लीग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है बट आईएसएल में वो कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखने लायक होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन के बारे में। तो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में मेरे हिसाब से होंगे मसूर शरीफ। मसूर शरीफ काफी बढ़िया प्लेयर है एंड उनसे भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है हम लोग का, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी आई लीग में बहुत अच्छा है एंड देखने लायक होगा कि वो आईएसएल में कैसा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन के बारे में। तो सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन में दो प्लेयर्स है उनके पास, एक है लालिंग माविया एंड दूसरे एल फानाई। तो दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर है एंड लालिंग माविया का एज भी काफी कम है, उनका एज है बस 20 एंड बहुत ही दोनों ही बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। तो इनको ऐसा सब्स्टिट्यूट भी खिलाया जा सकता है कि पहले लालिंग माविया को उतारा जाए उसके बाद फानाई 45 मिनट्स के बाद लाया जाए, या फिर वो वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर भी नजर रहेगा क्योंकि बहुत ज्यादा यंग एंड टैलेंटेड प्लेयर है। तो देखते हैं इन दोनों प्लेयर का परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी का कैसा रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फेडरिको गैलेगो के बारे में। तो फेडरिको गैलेगो खेलेंगे सेंट्रल एयर की मिडफील्ड पोजीशन में। डेफिनेटली सेंट्रल एयर की मिडफील्ड पोजीशन में फेडरिको गैलेगो ही खेलेंगे क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी का होके, एंड देखने लायक होगा कि इस सीजन उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेफ्ट विंग के बारे में। तो लेफ्ट विंग में डेफिनेटली लुइस मचाडो, बहुत अच्छे प्लेयर है लुइस मचाडो एंड उनका लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है एंड नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग में से एक है इस साल का। सो डेफिनेटली देखने लायक होगा कि लुइस मचाडो का परफॉर्मेंस इस साल नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी का कैसा रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राइट विंग के बारे में। तो राइट विंग में मेरे हिसाब से खेलेंगे निंथोई मिताई। तो निंथोई मिताई एक 19 ईयर ओल्ड राइट विंग पोजीशन के प्लेयर है, बहुत ही ज्यादा यंग प्लेयर है एंड नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी का हम लोग इसीलिए जानते हैं कि वो यंग प्लेयर्स को एक प्रॉपर चांस देते हैं एंड जो कि इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे अच्छे अच्छे इंडियन फुटबॉलर्स आए हैं, तो डेफिनेटली निंथोई मिताई के ऊपर भी हम लोग को नजर रहेगा एंड इस साल उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो भी काफी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये एज अ प्लेयर उनके लिए भी काफी ज्यादा मैटर करता है अगर इन फ्यूचर भी उनको आईएसएल में खेलना है तो, क्योंकि आईएसएल का स्टैंडर्ड जिस हिसाब से बढ़ रहा है अगर प्लेयर इन्फॉर्म नहीं हुए तो उनको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से हर एक प्लेयर को अपना 100% देना ही पड़ेगा अगर उनको पर मौका दिया जाता है तो, एंड निंथोई मिताई को डेफिनेटली मौका मिलेगा। सो देखते हैं निंथोई मिताई का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। नेक्स्ट एंड फाइनल पोजीशन जो कि सेंट्रल फॉरवर्ड, डेफिनेटली इदरीसा सिला, बहुत ही अच्छे प्लेयर इदरीसा सिला एंड ये वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग में से एक है नॉर्थ जर्सी के। लुइस मचाडो एंड इदरीसा सिला इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रहेगा, तो डेफिनेटली देखने लायक हो कि इदरीसा सिला इस साल नॉर्थ जर्सी का कैसा खेलते। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलेगा एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।